गोड्डा जिला नेटबॉल संघ द्वारा गोड्डा के गांधी मैदान में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बता दें कि छठा सब जूनियर और वो 14वां सीनियर जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी जेसी विनीता केरकट्टा, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी जेपीएन चौधरी, जिला खेल पदाधिकारी डॉक्टर प्राण महतो और नगर थाना प्रभारी उपेंद्र महतो मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा मार्च पास्ट कर की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आई जेसी विनीता केरकट्टा और जेपीएन चौधरी ने बताया कि ये मोबाइल और इंटरनेट के युग में बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं और उस माहौल में भी नेटबॉल संघ ने एक साथ जिले भर से हजारों बच्चों का खेल के लिए मैदान में उतारा है, जो काबिले तारीफ है। वहीं जिला खेल पदाधिकारी ने सरकार द्वारा खेल के क्षेत्रों में किए जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायतों में सिद्धू कानू क्लब की स्थापना की जा रही है। बच्चे गिनती के होते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे भरे हुए हैं। और जैसा मोनालिसा बता रही है कि 1500 बच्चे बच्चियों की एंट्री हुई है, 90 टीम्स है। तो सबसे पहले तो जिलायकन मोनालिसा नेटबॉल परिवार और बच्चे बच्चियों के लिए जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे, आप सभी खिलाड़ियों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसका श्रेय बिल्कुल मोनालिसा को जाता है, गुंजन जी को जाता है, समस्त गोड्डावासी इसके बधाई के पात्र हैं। और अभी मोनालिसा ने जैसे बताया कि विगत दिनों में बहुत सम्मान इनको मिला और एक बहुत बड़ा सम्मान गोड्डा के लिए दिसंबर में जो नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा, गर्व का क्षण होगा उस दिन। और मोनालिसा के लिए पर और सभी गोड्डावासियों के लिए जोरदार तालियां एक बार हम लोग बजाएंगे। और हम लोग इंतजार करें उस गौरव मैं क्षण का, और उसके लिए ये तैयारियां भी चल रही है। मैं सभी जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर है, आज यहाँ पर है, कल आएंगे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपना 110% आप लगाएं, जी जान अपना इसमें झोंक दें, एक टीम भावना से खेलें। जीत हार तो अलग चीज़ है, प्रतियोगिता में एक खेल भावना आप लोग बरकरार रखें, एक इसकी शुचिता बरकरार रखें आप। और आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, जब हम लोग की उंगलियां बहुत चलती हैं मोबाइल में, घर में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, आप बच्चे बच्चियां यहाँ पर गांधी मैदान में आए हैं, इस परिधान में आए हैं, खेल के ड्रेस में आए हैं, तो लोग और भी बच्चे अधिक प्रेरित होंगे, क्योंकि खेल स्वस्थ जीवन के लिए की एक कुंजी है। और इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी चीज़ें, एक व्यक्तित्व का निखार होता है और एकाग्रचित हम होते हैं अपने किसी भी काम के लिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को जोहार, नमस्कार और धन्यवाद। इंटरनेट के ज़माना में बच्चे लोग बहुत हद तक खेल कूद से दूर भाग रहे हैं, और बच्चे लोग जो है खेल को अपना रहे हैं। हमारा मानना यह है कि हर परिवार को अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए खेल कूद से जुड़े, क्योंकि जब तक उसका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। हेल्दी बॉडी है हेल्दी। और आज के इस प्रोग्राम जो जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इस आयोजनकर्ता को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जिला स्तर से इस काम को किया जा रहा है, बच्चों लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। और थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू।